पैन में 5 कप पानी डालकर गरम करेंगे। मैंने सभी रेसिपी में मेजरिंग कप और स्पून का यूज़ किया है। अगर आप भी इसका यूज़ करेंगे तो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें पास्ता डालेंगे। पानी में तेल आपको ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो व्हाइट सॉस की कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें ताकि पास्ता चिपके नहीं। पास्ता हो गया है, इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। हमें सिर्फ इसे 80% ही पकाना है, मतलब हमें थोड़ी सी कसर बाकी रखना है। देखिए अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, मतलब कच्चापन बाकी है, जो कि हम पकाएंगे इसे सॉस के साथ। इसी स्टेज में अब हम इसे छान लेंगे। ये भाप से ज़्यादा पके नहीं, इसलिए हम ठंडा पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। पास्ता नूडल्स अपनी गर्माइश में और सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसमें नॉर्मल या ठंडा पानी डालकर ओवर कुक बंद कर देते हैं। 1 चम्मच तेल गरम करेंगे, 1 चम्मच लहसुन डालेंगे, इसे 30 से 40 सेकेंड फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ, शिमला मिर्च डालेंगे, सब्जी हमें बहुत बारीक नहीं काटना है, 1/2 इंच बड़ी काटना है। कॉर्न डालेंगे, आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, सब्जियां बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी क्रंची रखना है, क्योंकि सॉस में भी थोड़ी सब्जियां पकेगी। 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। एक बाउल में खाली करके साइड में रख देंगे। घी गरम करेंगे, आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा डालेंगे, जितना हमने घी लिया है उतना ही हमें मैदा भी लेना है। गैस की फ्लेम स्लो करके इसे ऐसे ही लगातार चलाते जाएंगे ताकि नीचे से ये चले ना। जब तक मैदे का कच्चापन नहीं चला जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें ऐसे ही चलाना है। अगर मैदा कच्चा रह गया तो आपको सॉस का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। मैदे का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। लगातार चलाते रहें, आप चाहें तो गैस की फ्लेम स्लो भी कर सकते हैं और आप गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। जब पूरा दूध अच्छे से आप मिक्स कर लें उसके बाद वापस गैस ऑन कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें 3 कप दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। पास्ता तो सभी बना लेते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, प्रॉब्लम आपको सॉस के टाइम ही आती है। अगर आपका मेन बेस ही सही नहीं बनेगा तो पास्ता बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, सॉस को स्लो हाई फ्लेम करके गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। लेकिन पता कैसे चले हमें कि सॉस हमें किस स्टेज तक पकाना है? तो इसके लिए एक टिप्स और है। जब भी कोई स्पून आप इसमें डालकर देखें तो स्पून पूरी तरह से कोट हो जानी चाहिए, तब आप इसमें पास्ता डाल सकते हैं। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। जो वेजिटेबल्स हमने बनाई थी वो डालेंगे, अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। मेरे सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें,
कुछ टिप्स मैं उसमें भी लिखती हूँ। ऑर्गेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालेंगे, चीज़ डालेंगे, चीज़ आपको वही डालना है जो मेल्ट हो जाता है। देखिए चीज़ डालते ही पास्ता गाढ़ा होने लगा है। चीज़ आप कम डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ डालने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। देखिए पास्ता कितना क्रीमी बना है। गैस की फ्लेम बंद करके एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी व्हाइट सॉस बना है। इसे ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।